नमस्कार, मैं नीरज राठौर घमासान.com से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंदौर। आज मेरे साथ अरविंद मिश्रा जी हैं जो कि टेकलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप टेक ग्रेजुएट हैं और आपने अपना टेक स्टार्टअप 2015 में स्टार्ट किया था टेकलिंग के नाम से, और देखते ही देखते आप अपने क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच गए। अरविंद जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके मन में कैसे ये स्टार्टअप स्टार्ट करने की इच्छा हुई थी। इससे पहले आपने नौकरियां भी करी, और आप कैसे आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया? सबसे पहले मैंने 15 इयर्स तो मैंने जॉब किया, करीब मैं 2000 में पास आउट हुआ था, देन 15 इयर्स मैंने आईटी में जॉब किया। देन आफ्टर 2015 देन आई रियलाइज टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, क्योंकि इसमें एक जो मुझे था रिक्वायरमेंट कि कुछ ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम किया जाए जो अभी एक इंडिया में और एज वेल एज इंडिया के बाहर भी रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस पर वर्क किया, फिर देन ईआरपी सॉल्यूशन मेरा मेन डोमेन था, जो इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए और स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ऑटोमेशन की बहुत रिक्वायरमेंट थी। बट मैक्सिमम सॉल्यूशंस बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि सभी लोग एक नॉर्मल डेटाबेस मैनेज करते थे सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता था। देन आई रियलाइज टू स्टार्ट सम स्मार्ट सॉल्यूशन, तो फिर मैंने इस पर वर्क स्टार्ट किया। देन 2015 में हमने अपना कंपनी स्टार्ट किया। देन उस समय मेरे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं था, क्योंकि इंदौर में आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट काफ़ी हैं, बट जो कॉलेज से स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ बहुत बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं, C++ और जावा। जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है लाइक ब्लॉकचेन, बिग डेटा, डेटा साइंस, वो उस पर उनका स्किल सेट ना के बराबर था। तो फिर मैंने पहले तो ये सोचा कि क्यों ना फर्स्ट एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाए, उससे मैं स्टूडेंट्स को डेवलप करूं और उनमें से फिर मैं अपनी जो स्किल मुझे रिक्वायर्ड है उनमें से कुछ बच्चों को मैं अपनी कंपनी में ले करके और देन कंपनी को ग्रो करूँ। तो स्टार्टिंग मैंने दोनों से ही किया, मैंने पहले एक अपना कंपनी भी स्टार्ट किया और देन साइमल्टेनियसली एक छोटा पार्ट टाइम के हिसाब से एक मैंने एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया। उसमें मैंने बच्चों को स्किल्ड किया और स्किल्ड करने के बाद देन फिर उनको मैंने अपने यहाँ पे एज ए जॉब पर रख करके और फिर मैंने ग्रो किया। तो लाइक 2-3 साल में अभी रिस्पांस हमारा अभी इंक्रीज हुआ है, अच्छा रिस्पांस हुआ है। मैंने हमारे अभी जो क्लाइंट हुए हैं वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में हमारे स्टार्ट हुए हैं प्रोजेक्ट। हम लोग मेनली वर्क करते हैं ईआरपी में, बिग डेटा, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन में। इसमें हमारा सॉल्यूशन काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आज इंडस्ट्रीज पर भी है। लोग सब लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन है, बिग डेटा है, बट दे आर नॉट यूजिंग दिस सॉल्यूशंस इन एक्चुअल एरिया। हम लोग ने इसको क्लब किया हुआ है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में हम लोग ने मशीन्स को आईओटी से लिंक किया और उससे रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स हम लोग जनरेट करते हैं, और वो हम लोग ईआरपी में लिंक करके और एनालिटिकल डैशबोर्ड हम मैनेजमेंट पर्सन को अवेल कराते हैं। तो इसी में हम लोग अभी अग्रसर हैं और हम लोग इसी में ही वर्क कर रहे हैं, और मेनली हम लोग टारगेट रखते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी काफ़ी स्ट्रांग है, और मेन जो डेवलपमेंट है हम लोग सारे जितने भी ओपन सोर्स टूल्स हैं लाइक हडूप है एंड देन जावा है, देन एंड्रॉयड, इस तरह की हम लोग लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आजकल की आईटी की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, सच एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, हडूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार की भी जो भी आईटी की पॉलिसी आई है, सभी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिले, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा गैप भी महसूस हो रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, उनके टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का भी ये स्टेटमेंट आया था कि आज भी हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा के स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी है।
तो जैसा कि आपके संस्थान ऑलरेडी इस इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी? अभी का जो सिनेरियो हम लोग देखते हैं तो कॉलेज लेवल से ही हमको इसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रिक्वायरमेंट बहुत है। अगर आप कभी थोड़ा चाइना साइड या अदर कंट्रीज में आप देखेंगे तो वहाँ के बच्चे, जो हम लोग बोलते थे इंडिया बहुत आईटी में बहुत आगे है, बट वहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स और कॉलेजेस में स्टडी स्टार्ट हो चुका है डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और इस पर। हमारे इंडिया में आज भी जो बीए, बीटेक और बी बच्चे करते हैं उनका स्किल कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ सी सी प्लस प्लस तक ही सीमित रहता है। वो उस तरह के सब्जेक्ट ज़्यादा लर्न कर रहे हैं जो सब्जेक्ट आज उनके रियल टाइम में काम नहीं आते हैं। और मैं एक दो कॉलेजेस से मिला भी इसके कंसर्न में, मैंने सोचा कि उन लोगों को अपडेट करूं कि ये सब ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, और हम लोग ने ट्राई भी करा कि वहाँ हम लोग वर्कशॉप करके स्टूडेंट्स को अवेयर करें एटलीस्ट। बट द प्रॉब्लम, वहाँ से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ जो टीचर्स थे वो नॉलेज नहीं रखते थे, तो उनके अंदर एक डर था कि चूंकि अगर ये कोर्सेस आ जाते हैं और मुझे आता नहीं है तो उनकी जॉब, आई थिंक जो मुझे लगा, उनको लग रहा था कि शायद उनको जॉब छोड़ना पड़ जाएगा और नए लोग इस इनकी जॉब ले लेंगे। तो आई डोंट नो, बट मैंने वहाँ के कुछ कॉलेजेस के जो डायरेक्टर हैं उनको भी एक्सप्लेन किया था कि देन वो स्टूडेंट्स को सिखाने से अच्छा है उनके टीचर्स को पूरा लर्न कराएं इन सब टेक्नोलॉजी का और इसमें वर्क स्टार्ट कराएं। तो मेन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम यही आता है कि ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा नीड है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो उनका विज़न क्लियर नहीं होता है कि वो क्या करेंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स को जब नॉलेज नहीं होता है तो नए स्टार्टअप या न्यू आइडियाज़ हमारे यहाँ से बहुत कम जनरेट होते हैं। आप देखते होंगे हर जो नया न्यू यूनिक कंसेप्ट जो क्रिएट होता है वो या तो यूरोप से होगा या यूएस से होगा या चाइना से होगा। इंडिया से आप कोई भी बहुत बड़ा स्टार्टअप आपको बहुत कम से कम आपको मालूम रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उस लेवल पर अभी नॉलेज ही नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा अनस्किल्ड वर्कफोर्स निकल रहा है। इवन जो बी कंप्यूटर साइंस किए हुए बच्चे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेरोजगार युवकों को ताकि वो आपकी तरह एक सफल स्टार्टअप स्टार्ट कर सके? देखिए, इसके लिए एक तो पहला ये है कि स्टूडेंट्स को या जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट बहुत है आईटी में, ऑप्शंस बहुत सारे हैं हर एक फील्ड। आप चाहे ब्लॉकचेन ले लें, आप चाहे आईओटी पर वर्क आप स्टार्ट करना चाहें या फिर बिग डेटा में काम करना चाहें, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है करने को। तो पहले तो स्टूडेंट्स को इन सब टेक्नोलॉजी पे स्किल अपना इंक्रीज करना होगा। देन अगर उनके पास कुछ यूनिक आइडियाज है, मैं ये समझता हूँ आईटी एकमात्र ऐसी चीज है, एक ऐसा लाइन है जहां पर कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने आप को ग्रो ज्यादा कर सकते हो। अगर हम लोग किसी फैक्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। एक अगर पर्सन अच्छा स्किल सेट डेवलप कर लेता है तो वो सिर्फ एक लैपटॉप पर भी बैठ करके कुछ न्यू आइडिया जनरेट करके और फिर उसको एज ए इंडस्ट्री में बना करके और देन दे कैन स्टार्ट द बिजनेस। तो ये तो एक मेन पार्ट है। देन सेकेंड है, गवर्नमेंट योजनाएं बहुत ला रही है, ये गवर्नमेंट आईटी में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और लोगों को स्किल सेट इम्प्रूव करने के लिए पैसे भी वो लोग दे रहे हैं। बट जो मुझे लग रहा है ना, वो प्रॉपर जिस पर्सन के लिए वो रिक्वायर्ड है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग पहले उसमें इन्वॉल्व हैं इन सब गवर्नमेंट के कनेक्शंस के थ्रू और वो लोग इन सब योजनाओं को अपने अंडर में ले करके और देन वो अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करके और वो योजना को फुलफिल कर देते हैं।
बट जहां पर जिस पर्सन के पास पहुंचना चाहिए और वो जिस उस लेवल पे उसको एक्सप्लोर कर सकता है वहां तक आई थिंक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने ऐसे दो तीन जगह मैंने देखा भी है जहां पर दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम बट वो उस तरह से उसको ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट का एक एम था कि नहीं ये इस तरह से इसको एग्जीक्यूट होगा और स्टूडेंट्स डेवलप होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए घमासान की टीम आपकी आभारी है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपके इस मैसेज को समझकर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्टार्ट करके अपने पैरों पर खड़ा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।